दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब कोई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, और केवल एक चैनल था भाई एग्जाम न्यूज़, और हमेशा की तरह आगे भी आपके लिए ऐसे ही न्यूज हम देते रहेंगे। और सबसे पहले कहीं भी कोई भी कैसा भी जिक्र नहीं था कि भाई एग्जाम डेट आएगी, लेकिन सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी थी भाई कि एग्जाम डेट डिक्लेयर होने वाली है। और जैसे ही हमने जानकारी दी, उसके बाद बहुत सारे जो चैनल थे, या फिर मैं ये कहूँ कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिल गई थी कि भाई एग्जाम होने वाले हैं। और आज आपके सामने प्रूफ है एक एग्जाम की, यानी कि SI का जो एग्जाम है, मेल या फीमेल की हम बात करें हरियाणा पुलिस की, उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। दूसरा, आप इंतजार कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए और ग्राम सचिव पटवारी के लिए, बाकी जो एग्जाम है उनके लिए। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं भाई, मेल कांस्टेबल वाले हैं जो, उनका भी नोटिस जल्दी साइट पर आएगा। जो समय हमने आपको दिया है उससे पहले पहले नोटिस आएगा, और अक्टूबर में ही आपका एग्जाम है। और सबसे पहले जानकारी दी थी, और फिर से मैं यही बोलूंगा, तो भाई पढ़ना शुरू कर दें। और बात करते हैं ग्राम सचिव की, कैनाल पटवारी की, तो अब ही मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, आपकी जो डेट है वो चेंज नहीं होगी। जो डेट डिक्लेयर की गई है सरकार के द्वारा, मैं फिर से बोलूंगा 100% अपने आप में कोई चीज नहीं होती है, 99% मैं आपसे बोल रहा हूं आपकी एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाकी के जो भी कोई आपका एग्जाम है, इनसे अलग कोई और बड़े एग्जाम है, उनके लिए भी सरकार धीरे धीरे शेड्यूल जारी करेगी। लेकिन अभी यानी कि जो पहले आपका SI वाला है, कॉन्स्टेबल वाला है, या ग्राम सचिव या पटवारी की हम बात करें, पहले आपके ये एग्जाम होंगे। तो भाई फिर से मैं आपको एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो में, पढ़ाई शुरू कर दें, और कांस्टेबल वाले जो आपका इंतजार है ना, वो भी जल्दी समाप्त होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे से आप लगातार एक या दो दिन से हम ये न्यूज़ डाल रहे हैं भाई आपका एग्जाम कब होगा, तो ये तो आपके साथ हमने सारी जानकारी साझा कर दी है। आगे से अब आपके पास यानी कि इस चैनल पर एजुकेशन क्लास शुरू होंगी भाई, ठीक है ना, जैसे पहले चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।